हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। की हाल चाल सबको, मेरा सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल। इस चैनल पे हमने हमेशा से ही कन्वीनियंस के साथ साथ सेफ्टी को भी प्रमोट किया है, फिर चाहे आपकी वो पर्सनल सेफ्टी हो, रोड सेफ्टी हो, या फिर आपका कन्वीनियंस रहे। जब भी आप किसी थर्ड पार्टी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको तीनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो प्रोडक्ट कितना सेफ है, कितना कन्वीनियंट है और वैल्यू फॉर मनी है। कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। मेरे पास है 70 माई का टायर इन्फ्लेटर, जो कि एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है 70 माई की तरफ से। कॉम्पैक्ट सा दिखने वाला ये प्रोडक्ट आता है, पूरी तरह से फीचर लोडेड। तो क्विकली इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे 70 माई ने इस बॉक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है। अनबॉक्सिंग काफ़ी सिंपल और क्विक रहेगा। बॉक्स के ऊपर आपको मिलता है 70 माई का ब्रांडिंग, यहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्ट का इमेज रिप्रेजेंट किया है। ये साइड में कुछ फीचर लिस्ट किए जो कि इंपॉर्टेंट है। जो पहला फीचर यहाँ पे कंपनी ने लिस्ट किया है, इजी टू स्टोर। ये प्रोडक्ट काफ़ी कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है, इसको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने ग्लो बॉक्स, जो ड्राइवर या पैसेंजर साइड की सीट के पीछे जो पॉकेट्स आते हैं, या बूट स्पेस में इजीली कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। आपको मिलते हैं यहाँ पे मेटल गियर्स अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ड्यूरेबल परफॉर्मेंस के लिए। कंटिन्यूस एंड पावरफुल 30 मिनट्स का इसका आपको मिलेगा ऑपरेटिंग टाइम। तो आप एक साथ आपकी कार के चारों टायर और स्टेपनी इन्फ्लेट कर सकते हो, तो परफॉर्मेंस की आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मिलता है यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले, इसके जो रियल टाइम रीडिंग्स होते हैं या फिर कस्टमाइजेशन होते हैं सेटिंग्स के, आप इस डिस्प्ले के जरिए इजिली ऑपरेट कर सकते हो। इस साइड में कंपनी ने इस प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी मेंशन की है। ये प्रोडक्ट कंपैटिबल है आपके बाइसिकल के साथ में, आपकी मोपेड हो गई, टू व्हीलर हो गई, आपकी कार, एसयूवी या ट्रक कुछ भी हो गया, या फिर आपके कैंपिंग इक्विपमेंट्स हो। जिस भी प्रोडक्ट को इन्फ्लेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वाटर स्पोर्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, या फिर आपका बॉल हो गया, या फिर कैंपिंग बेड हो गया, आप इसके जरिए इजीली आप इसको इन्फ्लेट कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। बैक साइड से आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कोड मिलेगा यहाँ पे, बार कोड है यहाँ पे, सर्विस कोड वगैरह कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स लिस्ट किए कंपनी ने। इसके अलावा बॉक्स के ऊपर डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, तो जल्दी से अनबॉक्स करके देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। तो गाइस, ये हो चुका है अनबॉक्स। आपको बॉक्स के अंदर मिलता है एक कॉम्पैक्ट सा इन्फ्लेटर और आपको मिलेगा एक यूज़र मैनुअल। ये इंग्लिश में है, आपके जितने क्वेरीज या डाउट्स रहेंगे इसके स्पेसिफिकेशन या फंक्शन के रिलेटेड आप इसको रेफर कर सकते हो। ये जो इन्फ्लेटर है काफ़ी कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है, लाइट वेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसका जो वेट है अप्रॉक्स 922 ग्राम्स का आता है। आपको यहाँ पे मिलेगा एलसीडी डिस्प्ले और कुछ यहाँ पे कीज़ दिए यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। आपको दिखता होगा यहाँ पे आर, प्लस माइनस और ये पावर बटन है यहाँ पे। इस साइड में आपको मिलेगा वेंटिलेशन, जो इसका टेम्परेचर इसको मेंटेन रखने के लिए। बैक साइड में कुछ कंपनी ने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिस्ट की है। आपके यहाँ पे एक ट्यूब दिखता होगा जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये 0.7 मीटर का ट्यूब है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो आपके टायर इन्फ्लेट करने के लिए, काफ़ी हैंडी है। यहाँ पे मिलेगा आपको प्लास्टिक का कंपार्टमेंट जो कि है केबल मैनेजमेंट के लिए। आप जैसे ये लीड ओपन करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा एक मेन पावर कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है 3.2 मीटर्स की है, यानी कि मोर देन 12 फीट की है, काफ़ी लॉन्ग है। और आपको इसके साथ मिलेगा 12 वोल्ट डीसी का एक इनपुट। ये अब आपने 12 वोल्ट डीसी का जो सॉकेट रहेगा उसके अंदर इजीली कनेक्ट कर सकते हो। प्लग एंड प्ले रोल है इसका काफ़ी। बात करते हैं प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की। ओवरऑल ये काफ़ी इंप्रेसिव है, आपको हाई क्वालिटी अटैचमेंट्स मिलते हैं और ये जो ट्यूब कंपनी ने प्रोवाइड की है 0.7 मीटर की, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रोडक्ट का जो इंटरनल मैकेनिज्म है काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल से बिल्ड किया गया है। इसके अंदर आपको मिलता है ऑल कॉपर हाई टेम्परेचर कॉइल्स, आपको मिलेंगे मेटल गियर्स, PTFE का पिस्टन रिंग मिलेगा, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगी अगर आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हो तो भी। बेस्ट इन क्लास सेफ्टी के साथ आपको मिलेगा स्मार्ट चिपसेट जो आपको रियल टाइम डेटा रीड करने में हेल्प करेगा। जैसे आप अपना ये ट्यूब टायर के साथ कनेक्ट करोगे तो आपके जो स्क्रीन यहाँ पे दिया गया LCD उसके अंदर में रियल टाइम रीडिंग डिस्प्ले होगा। तो चलते हैं कार की तरफ और करते हैं इसका परफॉर्मेंस चेक। तो गाइस, देख लिया आपने, अनबॉक्सिंग काफ़ी क्विक था। बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं कंटेंट शो करने के लिए। ऐसे कॉम्पैक्ट सा प्रोडक्ट आता है और आता है आपको यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल आपको हेल्प करेगा सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फंक्शनलिटी समझने के लिए, या फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आई अश्योर कि आपके सारे डाउट्स या क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो क्विकली कार के अंदर इसको करते हैं कनेक्ट पावर सॉकेट में और इसका रियलिटी चेक करते हैं। तो गाइस, देख लिया आपने, कनेक्शंस काफ़ी सिंपल है, प्लग एंड प्ले है, कोई भी कर सकता है। आपको बस ये 12 फीट लॉन्ग जो केबल है आपके 12 वोल्ट डीसी जो सॉकेट होता है उसमें कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करके आपको इंजन स्टार्ट करना है। जैसे इंजन स्टार्ट करोगे आप तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एलसीडी स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिखेंगे। अभी यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है। आपको नंबर्स जो यूनिट है PSI या बार दोनों में आप सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक आर बटन दिख रहा होगा। आपको करना क्या है, बस ये जो आर बटन है आपको प्रेस करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा KPA, उसके बाद में दिखेगा आपको बार और यहाँ पे PSI। मतलब अभी जीरो दिख रहा है क्योंकि अभी जो ये ट्यूब है तो अभी मैंने कनेक्ट नहीं की, इसलिए जीरो दिख रहा है। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा आपको यहाँ पे दिखेगा अभी जो मेरा करंट टायर का प्रेशर है कितना है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है। ये जो आपका नोजल दिख रहा है आपको बस यहाँ से स्क्रू करना है आपके टायर के वॉल्व को। तो मैंने स्क्रू कर दिया यहाँ पे।
तो जैसे स्क्रू करूंगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीडिंग्स चेंज हो रहे हैं। अभी जो मेरा करंट टायर का प्रेशर है वो है 26.0, मतलब 26 PSI ये प्रेशर है जो कि रेकमेंडेड प्रेशर से काफ़ी कम है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो अभी 15 इंच का टायर है इसका प्रेशर पूरा रिलीज़ कर देंगे, इसको जीरो पे सेट करेंगे और देखेंगे कि ये जो 15 इंच का मिड साइज टायर है वो 0 to 30 PSI तक ये कितने मिनट में इन्फ्लेट करता है। ये हरकत मैंने बचपन में भी बहुत बार की है और उसके लिए मुझे बहुत बार मार भी पड़ी है, डांट भी पड़ी है। अगर आपको भी पड़ी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। ये ऑलमोस्ट हवा जा चुकी है अभी, तो आपको गाइस दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है, 26 PSI को जीरो कर दिया मैंने सारा प्रेशर रिलीज़ करके। आपको यहाँ पे रियल टाइम रीडिंग भी दिख रहा होगा 0 PSI। मेरे फ़ोन पे मैंने 6 मिनट का टाइमर सेट किया है। तो अभी मुझे ये इन्फ्लेटर ऑन करने से पहले डिजायर्ड प्रेशर सेट करना है। अभी मैंने यूनिट रखा है PSI और जो प्रेशर है जो कंपनी रिकमेंड करती है 29 PSI है, तो मैंने 30 रखा है। और अभी जो करंट रीडिंग है टायर का जीरो है, तो मैं काम कर देता हूँ। अभी मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑन और जो टाइमर है उसको भी हम कर देते हैं ऑन, तो पता चलेगा हमको कि एग्जैक्टली ये कितने मिनट में ये टायर इन्फ्लेट हुआ है। तो अभी मैंने कर दिया इसका टाइमर ऑन, ये स्टार्ट हो चुका है 6 मिनट का टाइमर और मैंने कर दिया इसको ऑन। मैजिक आपने देख लिया, कंपनी ने जितना क्लेम किया था एक मिड साइज का 14 इंच का टायर 0 to 30 PSI तक ये 4.8 मिनट में पूरी तरह से इन्फ्लेट कर देता है। मेरे कार का टायर है 15 इंच का, आपने यहाँ पे टाइमर देख लिया रियल टाइम में। अभी मैंने आपके सामने सारा मतलब हवा छोड़ दिया था, स्क्रीन पे जीरो रीडिंग था, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है 30 PSI, मतलब 0 to 30 PSI तक ये टाइम देख लीजिए। मैंने 6 मिनट का यहाँ पे टाइम सेट किया था, प्लस और माइनस 2 to 3 सेकेंड, अभी भी यहाँ पे 2 मिनट बाकी है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपने देख लिया प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म करता है। जो कंपनी का क्लेम था एक मिड साइज का 14 इंच का टायर 0 to 30 PSI तक इसको इन्फ्लेट करने के लिए 4.8 मिनट का टाइम लगता है। आपने खुद देखा मैंने 15 इंच का टायर पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया था और 0 to 30 PSI तक इसको इन्फ्लेट करने के लिए मात्र 4 मिनट लगे हैं। अगर मैं 2 to 3 सेकंड का डिले भी कंसीडर करूं, स्टिल इट इज़ नॉट बैड यार। अगर ये प्रोडक्ट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कल अमेजन प्राइम का सेल भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लीज़ गो एंड चेक आउट। आपके कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स रहेंगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज़ गो एंड फॉलो कार्स क्लब इंडिया ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, आपको ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। और सबसे मेन बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स से आप मिस ना करो। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो बिना लाइक या कमेंट किए मत जाइए, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसी को कंसिडर करके हम अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।